हेलो बच्चों कैसे आप सभी आई होप यूर आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी यस वी आर गोइंग टू रिसाइट अ पोम नेम इज द गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप सो फ्रेंडशिप क्या होती है बच्चे मित्रता है ना दोस्त है ना आपके तो वो इसी पर बेस्ड है ये पोम सो so, पहले हम इन वर्ड्स को जान लेते हैं वैल्यू मीन्स क्या होता है बच्चे किसी चीज को लाभदायक अपने लिए यूजफुल बनाना इट्स मीन वैल्यू माउंटेन पहाड़ ट्रबल ट्रबल मीन्स मुसीबतें चीयर हैप्पी खुश कंफर्ट मीन्स हमारे लिए जो कंफर्ट होता है ज्यादा ही लाभदायक चीजें होती हैं जो करना हमें अच्छा लगता है मीन्स हम कंफर्ट होते हैं उस चीजों से सो लेट्स बिगिन बच्चों फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड But in value is far greater than a mountain made of gold. For gold is cold and lifeless, it can neither see nor hear, and in the time of trouble, it is powerless to cheer.

प्राइजलेस मतलब उसका कोई कीमत नहीं होती वो ऐसा गिफ्ट होता है जो हमें मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है प्राइज होता है क्योंकि जब हम किसी से मित्रता करते हैं फ्रेंडशिप करते हैं और वो हमारा अच्छा दोस्त होता है तो कोई हमने प्राइस से थोड़ा ना खरीदा है नहीं वो प्राइजलेस गिफ्ट मिलता है हमें बाय गॉड दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड जिसको ना तो हम खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और उसकी वैल्यू कैसी होती है सबसे ज्यादा ग्रेटर होती है जैसे कि माउंटेन मेड ऑफ गोल्ड और माउंटेन जैसे किससे बने होते है। ऐसा लगता है सोने से बने हैं कैसा लगता है सोने से बच्चे तो गोल्ड इसलिए बोला गया है जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं येलोइश तो बर्फ चमकती है तो कैसी लगती है दूर से गोल्ड गोल्ड है है ना चमकदार लगती सो इज कोल्ड एंड लाइफलेस और गोल्ड कैसा बन गया बिल्कुल कोल्ड है और बिल्कुल लाइफलेस है इट कैन नीदर सी और हियर और उसको क्या कर सकते हैं ना तो हम देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं है ना दोनों चीज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ आप उसको महसूस करते हो है ना फ्रेंडशिप भी ऐसी चीज हो 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 गई कि कि आप उसको देख रहे रहे महसूस कर रहे कि कितना हमारे लिए फेथफुल है वो एंड इन द टाइम ऑफ ट्रबल और कभी हम ऐसा होता है कि ऐसा टाइम आ जाता है जब हम मुसीबत में है ट्रबल में है तो वो कैसा हो जाता है हमारे लिए हमेशा खुशी भरा हो जाता है क्योंकि वो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ जाता है इट हैज नो ईय टू लिसन और उसके पास कैसी चीज़ें होती हैं ना तो वो सुन सकता है मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कानों से सुनेगा सोचेगा या मुंह से बोलेगा तभी चीजों को अंडरस्टैंड करेगा इवन हमारे जो हर्ट्स हैं दिल है, है ना वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं जिससे हम कम्फर्ट फील करते हैं है ना इट कैन नॉट ब्रिंग योर कम्फर्ट और कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमारे लिए कम्फर्ट नहीं लेकर आते बल्कि हमें ऐसे हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कराते हैं जिसपे हम उसको पकड़ के और बुलंदियों तक ऊंचाई पर जाते हैं वेन यू आस गॉड फॉर अ गिफ्ट और अगर कभी तुमने पूछा होगा गॉड से गिफ्ट के लिए तो हमेशा थैंक करना है किस चीज के लिए ना तो डायमंड्स के लिए ना पर्स के लिए और ना ही रिच के लिए बल्कि एक ट्रू फ्रेंड्स के लिए ठीक है ना और ट्रू फ्रेंड्स कैसा होगा काफी लवेबल होगा हमेशा हमारे मदद करेगा प्यार करेगा इवन सेल्फलेसनेस मतलब मतलब क्या होता है बच्चे कि मतलब उसके अंदर कोई सेल्फिश भावना नहीं होती है ना कोई उस स्वार्थीपन नहीं होता वो बस फ्रेंड्स में ही एक ट्रू लव अपना शो करता चला जाता है स्टूडेंट्स सो so, ये पोम है बच्चे रिटर्न लिखी गई है किसके थ्रू एच एस राइज के थ्रू तो आपने पढ़ी समझी दोबारा इसको रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती एक्सरसाइज बच्चे डू य